दोस्तों, हमें पता है कि आप दिवाली की तैयारी में व्यस्त हैं, इसीलिए हम लाए हैं झटपट बनने वाला तीखा और नमकीन दिवाली स्पेशल चिवड़ा। लेते हैं एक कटोरी कड़ी पत्ता धो के सुखाया हुआ, एक छोटी कटोरी सूखा नारियल ऐसे लंबे कटे हुए, और एक बड़ी कटोरी मूंगफली के दाने। बड़ी छेद वाली छलनी ले, उसमें थोड़े थोड़े करके मुरमुरे छान ले ताकि कोई कचरा हो तो निकल जाए। इसी तरह एक बार चेक कर ले कि मुरमुरे साफ है। हम बना रहे हैं 500 ग्राम मुरमुरे का चूड़ा, तो आपके पास अगर बड़ा बर्तन हो तो वो ले, या हमारी तरह कढ़ाई में 3 से 4 बैच में धीमी आंच पे भुने, जब तक ऐसे आप उसे क्रिस्पी ना बना लें। सारे मुरमुरे सेक लेने पे एक बड़े बर्तन में हम उन्हें निकाल लेंगे, और फिर लेंगे एक कढ़ाई में 1/2 कटोरी तेल और उसे गरम कर लेंगे। तेल गरम होने पे उसमें सूखे नारियल के टुकड़े ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और उन्हें मुरमुरे पे डाल दोगे। फिर लेंगे 1/2 कटोरी मूंगफली और इसी तरह धीमी आंच पे उसे भूनेंगे, जब तक वो ऐसे करारे और ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छी तरह से तेल छान के हम निकालेंगे और फिर डालेंगे मुरमुरों पे। फिर लेंगे सूखा हुआ कड़ी पत्ता और इसे अच्छी तरह से करारा होने तक फ्राई करेंगे और तेल छान के उसे मुरमुरे पे डाल देंगे। फिर एक कटोरी लेंगे, उसमें लेंगे 1 से 1.5 छोटा चम्मच हल्दी, 2 से 3 लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच, और 2 छोटे चम्मच नमक। बचे हुए तेल को अच्छी तरह से गरम कर ले और गैस बंद करके कढ़ाई को मुरमुरों के पास लाके उसमें सारा मसाला डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करें और डाल दें मुरमुरों पे। फिर 2 चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करें जब तक मसाला सारे मुरमुरों को नहीं लग जाता। फिर रेडीमेड फरसान मिक्स के 2 से 3 बोल ले और कढ़ाई में हल्का गरम कर ले ताकि कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। कोशिश करें फरसान में कॉर्नफ्लेक्स हो तो और स्वाद आएगा। फिर इस फरसान मिक्स को हम डालेंगे हमारे मुरमुरों में और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और लो तैयार है हमारा कुरकुरा और चटपटा चिवड़ा। इसे झटपट बनाएं और दिवाली पे सबके साथ एंजॉय करें। हैप्पी दिवाली दोस्तों। हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।